यदि कोई भी कार्य आपका न हो रहा हो तो हनुमान जी की शरण में जाकर सुंदरकांड पाठ कीजिए। किंतु सुंदरकांड पाठ के पहले आप इन चौपाइयों का पाठ अवश्य कीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनि न जाय उभय घरी महदिनी साध प्रदक्षिण धाय अंगद कहि जाऊ मैं पारा जिय संशय कछु फिर दीवारा जामवंत कह तुम सब नायक लायक पढ़ई कि सब ही कर नायक कहि रीछ पद सुन हनुमाना काजुम साध रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुध विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई ता तुम पाही राम काज लगित भय अवतारा सुन तई भय पर पताकारा कनक बरंतन तेज बिराजा मानव अपर गिरिन कर राजा सिंहनाद कर पारहि बारा लीन नागव जल निधिखारा सहित सहाय राम नहि मारी आनउ इहाँ तिगूट उपारी जामवंत मैं पूछौ तो ही उचित सिखावन दीजौ मोही इतना करहु ता तुम जाई सीत ही देखी कहु सुधि आई तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेना कपिसेन संग संहारि निशिचर राम सीत ही आनि है त्रैलोक पावन सुजस सुरमुन नारद आदि बखानि है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई भव भे सज रघुनाथ जस सुनहि जन अरुणार तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि दिसरार नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनीता सुनु राम जासु नाम अखगवधिक। यह किष्किंधा कांड की 29वीं दोहे के बाद ही चौपाई है और यह उस समय का प्रसंग है जब समुद्र के किनारे सब लोग चिंतित अवस्था में पड़े हुए थे। उसी समय जामवंत जी ने हनुमान जी के बल को जागृत किया और वे समुद्र लाग कर जाने लगे। सुंदरकांड के पाठ के पहले यह पाठ करने पर हनुमान जी की कृपा से आपके सब कार्य पूरे होंगे। जय श्री राम।